हेलो एवरीवन गाइस, ब्रिज का लिंक आ गया है। तो जिसके पास भी बीएलडी पड़ा हुआ है बाइनेंस की ब्लॉकचेन वाला, तो सभी जाके अपना बीएफआईसी की ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चेन ब्रिज का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, कॉपी करना है। जैसे मैं इसको आपके सामने कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद में मैं वापस मेटामास के ऊपर आ गया हूँ। अभी ये लव वॉलेट में नहीं होगा। आप लव वॉलेट की जो, अगर आपने लव वॉलेट के अंदर डाल के रख रखा है अपने बीएलडी को, तो आप यहाँ पर लव वॉलेट की प्राइवेट की को आप मेटामास के अंदर इंपोर्ट करें, और यहाँ से आप इजीली बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है। मैंने कर लिया है, बट मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जैसे मेटामास में आपका बीएलडी आ गया है, ये देखो बाइनेंस वाला है। ये सारे जो भी चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये सब बाइनेंस की है यहाँ पर, ये क्योंकि मैंने कर लिया है। मेरा भी यहाँ पर 0-0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट मैं आपको प्रोसेस इसका बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे एक ब्राउज़र का ऑप्शन दिखेगा, नीचे ये सबसे नीचे जो ब्राउज़र का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये जो सर्च वाला ऑप्शन है आपको इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद में यहाँ से जो आपको ये दिखाई दे रहा है क्रॉस वाला, इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपका जो वेबसाइट खुली होगी जो उनसे भी वो बंद हो जाएगी। तो मैंने क्रॉस वाले पर क्लिक किया, और जो मैंने लिंक को कॉपी किया था उसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ पेस्ट। मैंने कर दिया इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में मैं नीचे, यहाँ पर नीचे आपको एक एरो दिखाई दे रही है, ये वाली एरो दिखा देता हूँ आपको। ये नीचे एरो है, इस पर आपको क्लिक करना है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो गाइज मेरे सामने ब्रिज ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपके पास सिंपली आपके पास बाइनेंस वाला है तो आप बाइनेंस सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पॉलीगन वाला है बीएलडी तो आपको पॉलीगन सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम लोगों के पास वो बाइनेंस वाला है तो बाइनेंस सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बाइनेंस पे क्लिक करता हूँ। जैसे बाइनेंस पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर आ गया है कि अपने बीएलडी को यहाँ पर ऐड करें, यानी कि जितने आपके वॉलेट के अंदर बीएलडी पड़ा हुआ है सारा बीएलडी यहाँ पर ऐड कर दें, ताकि वो सारा का सारा कन्वर्ट बीएफआईसी की ब्लॉकचेन हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 20-30 जो भी है, तो यहाँ पर आप डालेंगे, उसके बाद में कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। 2-3 बार ये अप्रूवल मांगेगा, आपको अप्रूव कर देना है, तो आपका जो कन्वर्ट है वो बीएफआईसी की ब्लॉकचेन में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ट्रांजेक्शन सबमिट हो जाती है उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन आता है, वो कन्फर्मेशन कम्प्लीट हो जाती है, देन आपको फिर वापस वॉलेट पर जाना है और यहाँ पर आपका फंड हो जाएगा 0, ठीक है जी। यहाँ पर आपका फंड 0 हो जाएगा। उसके बाद में जब यहाँ से कट जाएगा तो आपको करना क्या है, ये जो ब्लॉकचेन आपको दिखाई दे रही है बाइनेंस वाली, इसी बाइनेंस वाली ब्लॉकचेन को आपको चेंज करना है BFIC में। तो ये BFIC की मेन नेट है, सबसे नीचे आप देख सकते हो, इस पर मैं टच करता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये मेरे सामने बाइनेंस वाली चेन आ गई, ठीक है। तो मेरा अब जो फंड जो मेरा कन्वर्ट हुआ है वो बाइनेंस की चेन में आ गया होगा, ठीक है ना। हालांकि मैंने इसको कन्वर्ट करके मैंने ट्रांसफ़र कर भी दिया BLoveDApp में, ये तो मैं आपको सीधी प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरा 0 है, लेकिन ऐसे ही आएगा। उसके बाद में जो आपका जो BLoveDApp का जो अकाउंट है उसका रिसीव एड्रेस कॉपी करना है, और यहाँ जितने भी आपके BLD दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन है वो BFIC की ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस थे, मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, BLoveDApp का नया अपडेट वर्जन आ गया है, तो मैं आपके सामने एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी अपडेट पे लगा रखा था। देखता हूँ मेरी अपडेट हो गई है या नहीं हुई है, क्योंकि इसका नया अपडेट वर्जन आ गया जिसमें हमारी स्टेकिंग ओपन हो गई है, ठीक है। तो मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। अभी ईमेल आईडी डालनी है, उसको लॉगिन करके मैं आपके सामने ओन करता हूँ। सो गाइज, मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में मैं वॉलेट वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। अब जैसे मैं वॉलेट पर गया तो यहाँ पर आ गया है क्रिएट वॉलेट और इम्पोर्ट वॉलेट, क्योंकि गाइज आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आपको इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, क्रिएट वाले ऑप्शन पर नहीं जाना है, ठीक है ना। इस पर नहीं जाना आपको, अगर आप इसके ऊपर चले जाओगे तो जो आपका पिछला अकाउंट था आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको इम्पोर्ट वॉलेट पर जाना है। इम्पोर्ट वॉलेट पर जाने के बाद में जो आपने प्राइवेट की सेव करके रखी थी उस प्राइवेट की को यहाँ पर इम्पोर्ट करना है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट कर दी है। अब मैं आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ कैसे आपको एक्टिवेट करना है। अभी मेरे वॉलेट के अंदर आप देख सकते हो, एक तो 2.9 BFIC है और BLD है 22.5, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक्टिव करके दिखाता हूँ किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्वैप वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, और जाने के बाद में जो BLoveDApp का अकाउंट है सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर
एक्टिव पे क्लिक करना है, एक्टिवेट स्टेकिंग पे। दोस्तों अभी यहाँ पर जो प्राइस दिखाई दे रहा है आपको, एक बीएलडी बराबर 1.3 डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है, तो मैं कोई बात नहीं है, कर लेते हैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। मैं एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, एक्टिवेट स्टेटिंग, और ये मेरी ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस, ट्रांजेक्शन इज़ सक्सेसफुल, मेरी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई है, और कॉन्ग्रेचुलेशन स्टेकिंग सक्सेसफुल, ठीक है। मैं अगेन जाता हूँ, स्विप वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और बी लव डेप वाले पर जाता हूँ, और देखो मेरा यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरी शो हो गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हो मुझे रिवार्ड वगैरह, मिस मेरा रिवार्ड कितना हुआ है, इस्टीमेट टोटल रिवार्ड इतना हो चुका है, और ये मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो गई है, टोटल टीम यहाँ पर हो गई है मेरी शो, ठीक है ना। ये इसका हो गया। उसके बाद में लव वॉलेट पे जाते हैं, लव वॉलेट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। लव वॉलेट पे हम करते हैं इसको एक्टिवेट, एक सेकेंड। दोस्तों मैं लव वॉलेट से विड्रॉल देखते हैं कि लव वॉलेट से विड्रॉल कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर विड्रॉल टू लव वॉलेट, यहाँ पर हमें एड्रेस डालना है, जिस एड्रेस पे आपको लेना है, रिसीव एड्रेस यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो मैं विड्रॉल लगा के दिखाता हूँ, मेरा जो अमाउंट है वो यू विल रिसीव 500 USDT, 335 BLD मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, मैं यहाँ पर एड्रेस को करता हूँ पेस्ट। दोस्तों मेरा विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है लव वॉलेट का भी, ठीक है। तो मैं आपको स्वैप पे जाकर दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैं लव वॉलेट पे जाता हूँ, तो लव वॉलेट का मेरा देखो यहाँ से मेरा विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है ना। ये तो मेरा बी लव डेप का है, बट लव वॉलेट में आप देख सकते हो मेरा जीरो हो गया, यानी कि तुरंत मेरा विड्रॉल हो चुका है, ठीक है। अब मैं जाके चेक करता हूँ जहाँ पर मैंने इसको विड्रॉल किया है, मेटामास के अंदर। अभी मेरा विड्रॉल रिसीव नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं है, मैं इनको एक एक करके पहले सबको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके सबको पहले एक्टिवेट कर देता हूँ, उसके बाद में चेक करते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारे एक्टिवेट कर लिए हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरे सारे एक्टिवेट हो गए हैं, फिलहाल मेरा एक रह गया, ठीक है ना, बाकी सारे एक्टिव हो गए हैं, एक रह गया बी लव गेम का। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको जनरेट करता हूँ, बस मेरा बी लव गेम्स का रह गया है, ये नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि अभी थोड़ा लोड ज़्यादा है इस पर, उसकी वजह से ना हो रहा हो, बट एक रह गया मेरा, तो बाकी सारे हो गए हैं। तो ये तो वो है जो मैंने BLV 2.0 को स्टेक किया था उसका किया था, ठीक है ना। अब आते हैं, हम बात करते हैं एड्रॉप की। अब हम एड्रॉप वाले सेक्शन पे जाते हैं, और जाने के बाद में एड्रॉप डिटेल्स पे जाते हैं, और यहाँ से सबसे पहले हम बी लव डेप को करते हैं एक्टिव। बी लव डेप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक्टिवेट स्टेकिंग करता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पर मैंने बी लव डेप का कर दिया है, ये देखो मेरा बी लव डेप का कर दिया है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसका ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखो मेरा एड्रॉप वाला है ये, मैंने इसको कर भी दिया है स्टेक मोर, और मैं यहाँ पर स्टेक भी कर सकता हूँ, इसमें और भी ऑप्शन है बहुत सारे, ठीक है ना। बाकी ये एड्रॉप वाले हैं, इनको भी आपको जाके एक्टिव करना है, और इसी तरीके से होंगे जैसे मैंने पीछे करे हैं, ऐसे आपको सेम इसमें करना है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे, और यहाँ पर ये अभी देखो मेरे जो BLD है वो बहुत कम रह गए हैं, बहुत सारे BLD थे इसमें। और अगेन जाता हूँ मैं स्वेप पे और चेक करता हूँ मेरा जो लास्ट वाला रह गया था उसको देखता हूँ मैं करके, अगर हो जाता है बी लव गेम्स का, तो बी लव गेम्स का अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ एरर वगैरह हो, तो अभी ये हो नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये हो गया है, एयरड्रॉप वाले पे जाते हैं, एयरड्रॉप वाले में हमारा एयरड्रॉप डिटेल्स में जाते हैं, और यहाँ पर मेरा फर्स्ट हो गया है, और इसी तरीके से मैं सारे कर लूँगा। तो ऐसे ही आपको करना है, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको एक एक चीज़ बता दी है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।